योगी आदित्यनाथ के इस दबंग आईपीएस ऑफिसर ने आधी रात लिखी थी असद अहमद के एनकाउंटर की पूरी कहानी। क्या 24 घंटे के भीतर साइस्ता परवीन भी सरेंडर कर देंगी या फिर उनका भी असद की तरह एनकाउंटर हो जाएगा? अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर सिर्फ इत्तेफाक नहीं है बल्कि इसकी प्लानिंग एक रात पहले ही हो चुकी थी। बस इसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए एक आदेश का इंतजार था। एक आईपीएस ऑफिसर का फोन योगी आदित्यनाथ के पास बचा। सिर्फ 2 मिनट की बातचीत हुई और इशारा मिल गया। जिस आईपीएस ऑफिसर को अतीक और उसके परिवार को काबू करने की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ ने दी है वो अब तक 200 से ज्यादा एनकाउंटर कर चुका है। ये खतरनाक पुलिस ऑफिसर कौन है बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर बेटे असद के मरने के बाद माफिया अतीक अहमद ने सीएम योगी आदित्यनाथ से आखिरी डिमांड क्या कर दी है। अतीक के बेटे असद पर 5 लाख रुपए का इनाम था। इसी हफ्ते अतीक की पत्नी साइस्ता परवीन पर भी यूपी की पुलिस ने 25,000 से इनाम बढ़ाकर 50,000 कर दिया था। साइस्ता भी पिछले 1 महीने से फरार है, लेकिन बेटे असद के एनकाउंटर से पूरी तरह से टूट गई है और सरेंडर करने का प्लान कर रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अगले 24 घंटे के अंदर साइस्ता परवीन भी पुलिस के सामने सरेंडर कर सकती है। लेकिन इस बीच अतीक अहमद ने सीएम योगी से एक भावुक डिमांड कर दी है। अतीक अहमद ने कहा कि बेटे असद की मौत का जिम्मेदार मैं हूँ, मेरी वजह से उसकी मौत हुई है। पहली बार अतीक की आंखों में किसी ने आंसू देखे थे। अतीक ने सीएम योगी और यूपी पुलिस से एक भावुक अपील की है। अतीक ने कहा कि मुझे सिर्फ एक बार 5 मिनट के लिए आखिरी बार बेटे से मिलना है। अब पता नहीं उसका चेहरा दोबारा देख पाऊंगा या फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। इसके साथ ही अतीक ने बेटे के अंतिम संस्कार में भी शामिल होने के लिए योगी से डिमांड की है। सूत्रों का दावा है कि यूपी एसटीएफ चीफ अमिताभ यश को एक रात पहले ही असद के बारे में पूरी जानकारी मिल गई थी कि झांसी में कहां है और इसके बाद वो कहां जाएगा। इसके बाद ये दावा किया गया कि खुद अमिताभ यश ने सीएम योगी के पास फोन करके आधी रात इसके बारे में पूरी जानकारी दी। सूत्र बताते हैं कि इसके बाद योगी ने कहा था कि जिंदा या मुर्दा बस बचकर भागने न पाए। उसके बाद ही यूपी एसटीएफ एक्शन में आई और झांसी में असद का एनकाउंटर कर दिया। यूपी एसटीएफ चीफ अमिताभ यश वही ऑफिसर हैं जिन्होंने यूपी के ददवा, ठुकिया और विकास दुबे जैसे अपराधियों को ठिकाने लगा चुके हैं। अमिताभ यश अभी तक 200 से ज्यादा एनकाउंटर कर चुके हैं। यूपी में जब भी कोई बड़ा कांड होता है हमेशा वहां अमिताभ यश का नाम होता है। बड़े बुजुर्ग एक कहावत कहते हैं कि डकैत का बेटा डकैत ही बनेगा। अतीक अहमद ने इस कहावत को सच साबित करके दिखाया। अतीक अहमद 16 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में कूद पड़ा था। प्रयागराज के डॉन चांद बाबा को मारकर खुद डॉन बन गया और इसी राह पर अतीक अहमद अपने बेटों का भी कैरियर बनाना चाहता था। लेकिन शायद अतीक अहमद ये भूल गया कि मुलायम मायावती की सरकार नहीं है, यूपी में अब योगी आदित्यनाथ की सरकार है। मायावती और मुलायम सरकार में जो यूपी पुलिस माफियाओं के पैर दबाती थी वही पुलिस अब योगी राज में माफियाओं के पूरे कुर्मे को मिट्टी में मिला रही है। इसीलिए कहते कि सत्ता किसके हाथ में इसका फर्क बहुत पड़ता है। जो लोग योगी पर सवाल उठाते हैं उनको देख लेना चाहिए क्योंकि राज में इंसाफ भी होता है और अपराधियों को सजा भी मिलती है। कुछ लोग इस एनकाउंटर पर सवाल उठाएंगे लेकिन यूपी के गरीब और मजबूर लोग आज टीवी देखकर बहुत ज्यादा खुश होंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बेटे को आखिरी बार देखने के लिए साइस्ता परवीन जल्द ही सरेंडर करने वाली हैं। पिछले कुछ घंटे से हर तरफ योगी योगी हो रहा है, लेकिन असद के एनकाउंटर को लेकर आपकी राय क्या है? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू टाइम्स।